Hey guys, Infinity News के 14th edition में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज भी मेरे लिए आपके यहाँ पे बॉलीवुड, हॉलीवुड और यहाँ पे मार्वल डीसी के रिगार्डिंग और अवतार से भी रिगार्डिंग बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। तो सिट बैक, रिलैक्स, खाते पीते हुए वीडियो देख लो, बहुत ही मजा आने वाला। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है यहाँ पे अवतार द वे ऑफ वाटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और इसने अपना जो वर्ल्ड वाइड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है यहाँ पे 2.130 बिलियन US डॉलर्स का अभी तक किया। और साथ ही में अगर आपको मैं इसका ब्रेकअप बता दूं कि इसने अमेरिका से कितना कमाया, तो 625 मिलियन डॉलर्स अमेरिका से, और बाकी इंटरनेशनल मार्केट से जिसमें इंडिया भी आता है तो वहां से इसने 1.505 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया। और साथ ही में अगर इंडिया नेट बिजनेस की बात करें तो अभी तक इसने इंडिया में 390 करोड़ रुपीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। ऐसा लगता नहीं है कि ये यहां पे थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम की फहरिस्त में तो शामिल हो गई है, लेकिन क्या ये अब टाइटैनिक को, क्या एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर को और क्या यहां पे एवेंजर्स द एंड गेम और अवतार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सुपर बोल के ट्रेलर से, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का आपको यहाँ पे टीजर ट्रेलर टीवी स्पॉट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे सुपर बोल इवेंट में, जो कि 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। और साथ ही में यहाँ पे हमें जो है लोकी सीजन 2 की तरफ से जो है टीवी स्पॉट ट्रेलर दिखने वाला है। अब क्या वो फुल फ्लेज्ड ट्रेलर होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ट्रेलर जो है जरूर लोकी सीजन 2 का दिखाया जाएगा वहां पे भी। और साथ ही में यहाँ पे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया भी आपको कुछ टीवी स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं। इस मूवी का वेट कर रहा हूं बेसब्री से, वो यहां पे दी मार्वल्स मूवी, आप सब लोग बहुत चौंको मत ज्यादा, उस वे में एक्साइटेड कह रहा हूं, क्योंकि 12 तारीख को यहां पे इसका भी टीजर आने वाला है। और इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से सुपर बोल का ये इवेंट हमें मंडे की सुबह यानी कि 13 फरवरी 2023 को इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अब यहां पे चलते हैं आर्मर वॉर्स की यहां पे अपडेट की तरफ, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्टिंग का काम जो है वो अब ऑलमोस्ट यहां पे फिनिश हो चुका है। और इसकी शूटिंग की अपडेट आपको यहां पे बता दूं कि आर्मर वॉर्स 3 अप्रैल 2023 से जो है यहां पे ऑन फ्लोर जाने वाली है प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही में यहां पे जो है अभी यहां पे प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है एक्टर्स को कास्ट करने के लिए कि कौन कौन से एक्टर्स यहां पे किस रोल के लिए यहां पे इस मूवी में हायर किए जाएंगे। आपकी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है आर्मर वॉर्स को लेकर कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताइएगा। लेकिन अब चलते हैं यहां पे जेम्स गन की तरफ, क्योंकि उन्होंने यहां पे डीसी के चैप्टर 1 से रिगार्डिंग एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिवील ये किया है कि उन्होंने कहा कि यार देखो जो हमारा यहां पे डीसी का चैप्टर 1 जिसको यहां पे उन्होंने मॉन्स्टर्स एंड गॉड्स का नाम दिया है, तो यहां पे वो काफी ज्यादा हद तक वेल प्लान्ड है। इवन कि जितना फेज 1 यहां पे प्लान्ड आउट किया था मार्वल ने, उससे कहीं ज्यादा वेल प्लान्ड यहां पे डीसी को है। ये चैप्टर 1 है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इनिशियल मूवीज या फिर इनिशियल फेजेस से। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अब यहां पे एक और अपडेट आ रही है स्वॉम्प थिंग मूवी के बारे में, जो कि यहां पे जेम्स गन ने रिसेंटली चैप्टर 1 में यहां पे अनाउंस करी थी। तो बताया जा रहा है कि लोगन मूवी के डायरेक्टर यानी कि जेम्स गोल्डमैन जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, वही किसी न किसी टाइप के इन्वॉल्वमेंट में या फिर या तो डायरेक्शन में या तो प्रोडक्शन में या फिर जो है एग्जीक्यूटिव स्क्रीन प्ले राइटिंग में जो है इन्वॉल्व होने वाले। क्योंकि गन के अकॉर्डिंग यहां पे डीसी के चैप्टर 1 में बहुत सारी आर रेटेड वायलेंस भी हमें दिखाई जाएगी मूवीज में, तो यहां पे जेम्स गोल्डमैन से जिनने लोगन जैसी एपिक आर रेटेड मूवीज को डायरेक्ट किया उनसे बेटर और कोई चॉइस नहीं। और गाइस एक शॉकिंग न्यूज में यहां पे रिसेंटली सोनी की प्रेसिडेंट कैथरीन पोप ने यह रिवील किया है कि जिस तरीके से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी डिज्नी प्लस सीरीज से एक इंपॉर्टेंस क्रिएट किया है ना, एक कनेक्शन क्रिएट किया है कि किस तरीके से उनकी मूवीज भी उनकी सीरीज से कनेक्ट होती है, सेम चीज यहां पे सोनी की स्पाइडर वर्स यूनिवर्स भी करने वाली है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कहा कि जितने भी स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ टीवी सीरीज जो कि हमें अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, उनकी स्क्रिप्ट्स को जोड़ने का काम ताकि वो सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यहां पे जो उनका साथ यहां पे टॉम रॉथमैन देने वाले हैं, सैनफ्रेड पैनिश देने वाले हैं, जो कि इन सारी सीरीज की स्क्रिप्ट को जो है आपस में कनेक्ट करेगा, जिस तरीके से डिज्नी प्लस और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज आपस में कनेक्ट होती है, जिसका कनेक्शन हमें मॉर्बियस, वेनम और यहां पे मैडमे वेब और क्रेविन द हंटर मूवी से देखने को मिलेगा। सोनी का प्लान इस इन सारी स्पिन ऑफ सीरीज को ग्रैंड तरीके से विजुअल लेवल पे और प्रोडक्शन क्वालिटी लेवल पे बड़ा बनाने का है। और किसी भी तरीके से एज अर्ली रिपोर्ट जो आ रही है ये कोई भी मिड या फिर चीप सीरीज नहीं होने वाली है स्पाइडर यूनिवर्स के अंडर में, जो कि सोनी अपनी बना रहा है यहां पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग थलग। ऐसा बात करते हैं यहां पे डेडपूल 3 की, क्योंकि रिसेंटली यहां पे रायन रेनॉल्ड्स ने अपने जिम ट्रेनिंग के फोटोज जो है यहां पे वर्कआउट के शेयर किए, जिसका मतलब ये कि हमें बहुत ही जल्द यहां पे एक तो डेडपूल 3 की शूटिंग जो है कमेंस होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहां पे ह्यूज जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स दोनों ही अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट रीडिंग प्रोबेबली वो शायद कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहां पे जो है कास्ट भी करने का काम किया जा रहा है अभी डेडपूल 3 में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स को भी। तो रिसेंटली ये जो वर्कआउट पोस्ट किया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पे और इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने ये कहा कि यार देखो ये बॉडी में अपने आप को खुश करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन मूवी में ऐसा खड़ूस बंदा होने वाला है वुल्वरीन नाम का,
जिसको मेरी बॉडी से और हर एक हरकत से दिक्कत होने वाली है, तो उसको कंप्लेंट का कोई नामों का देते हुए मैं जो है ये बॉडी बना रहा हूँ। और यह मैं बताता कि किस तरीके से वो अपनी इस रियल केमिस्ट्री को यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी या फिर रियल लाइफ में भी जो है एम्युलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बड़े स्क्रीन पर जब यहाँ पर इन दोनों का इंट्रैक्शन डेडपूल और वुल्वरीन का हमें दिखे वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगे और किसी भी तरीके से वो फोर्स ना हो। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि डेडपूल 3 की जो यहाँ पर शूटिंग है वो यहाँ पर मिड समर से पहले पहले यानी कि मई और जून के आसपास शुरू होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पठान मूवी के ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि इसने वर्ल्ड वाइड अभी तक जो है 88.92 मिलियन यूएस डॉलर्स का ग्रॉस बिजनेस कर लिया है, जिसमें को अगर मैं यहाँ पे जो है कन्वर्ट करूँ रुपीज में तो यहाँ पे होता है 729 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिसमें से इसने इंडिया में अपना ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाया है 453 करोड़ का ग्रॉस, और इसका अगर नेट फिगर ढूंढने जाए तो वो होता है यहाँ पे 378 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और साथ ही में इसने ओवरसीज से अपना जो ग्रॉस कलेक्शन किया है वो है 276 करोड़ का मैमथ। और यहां पे मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 दिनों में या फिर जो है अगले 15 दिनों में ये मूवी कहीं ना कहीं 900 से 950 करोड़ के आसपास जो है अपना बॉक्स ऑफिस रन जो है कंप्लीट करने की जो है कोशिश करेगी। क्या ये मूवी 1000 करोड़ तक जा पाएगी? वेल अभी दिल्ली दूर है, लेकिन यार नेवर से नेवर, और इस मूवी का क्रेज अभी भी फिजल आउट नहीं हुआ है। और गाइस एक छोटा सा अपडेट आपको बता दूं कि एंटमैन क्वांटमेनिया की जो टिकट्स है ना वो यहाँ पे अगले हफ्ते से सेल पे जाने जाने वाली है, यानी कि ये हफ्ता छोड़ के आप 7 या 8 फरवरी से समझ लो कि यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग प्रॉबली यहाँ पे इंडिया में शुरू हो जानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यार मार्वल इंडिया कब इसकी यहाँ पे ऑफिशियल बुकिंग्स इंडिया में यहाँ पे शुरू करता है। वेल ये आइडियल हफ्ता है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही हमें जो है एडवांस बुकिंग जो है मार्वल की मूवीज की इंडिया में हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे एडवांस बुकिंग जब आएगी तब आपको मैं जो है अर्ली डे वन का जो है प्रेडिक्शन भी इसका बताऊंगा। और साथ ही में चलते हैं अब अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि आ रही है रायन कुगलर से, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे वकांडा फॉर एवर जो है वो यहाँ पे डिज्नी प्लस पे डेब्यू हुई है। तो रिसेंटली रायन कुगलर ने एक शॉकिंग सीन के बारे में ये रिवील करा है कि यार दो सीन्स थे यहाँ पे मूवी में जो कि मैं कट करने वाला था, और अगर ये दो सीन्स यहाँ पे कट हो जाते ना तो बिल्कुल यहाँ पे मूवी में वो फील ही नहीं आती हमें स्टार्टिंग से, जो कि हमें पूरी मूवी के दौरान बांध के रखती। तो उस सीन के बारे में उन्हें ये रिवील किया कि जब यहाँ पे जो यूएन काउंसिल में एड्रेस करती है क्वीन रमोंडा की किस तरीके से ब्लैक पैंथर के जाने के बाद से लोगों ने या फिर अदर नेशन से ऊपर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और जो बाद में आउटरीच फैसिलिटी पे जो अटैक हमें दिखाया जाता है जहां पे डोरा मिलाज जो है फाइट करती है उन सारे मर्सनरी से, तो वो दो सीन यहां पे कट होने वाले थे। लेकिन एंड मोमेंट पे नेट मूर जो कि यहां पे इस मूवी की प्रोड्यूसर थी उनको यहां पे कॉल कर लेके अर्ली मॉर्निंग में यहां पे रायन कुगलर ने कहा कि यार हमें अपना डिसीजन जो है इन सीन्स को रिमूव करने का यहां पे जो है कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सीन्स मूवी में नहीं हुए ना तो भारी गड़बड़ हो सकती है और यहां पे ऑडियंस को ये मूवी शायद जो है इन सीन्स के बगैर पसंद ही ना आए। सो गाइस आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताना। और ये था इन्फिनिटी न्यूज का आज का 14th एडिशन। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस एपिसोड को बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। रोड टू 100 के हमारा चालू है 100 के सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं हूं अमन और आप देख रहे थे इन्फिनिटी न्यूज का 14th एडिशन ओनली ऑन सुपर मार्वल।